Hello everyone. Today we are going to discuss with the mock test paper partnership question, question number 4, which was partnership question, 20 mark ka question exam mein pucha tha. To wo question hum aaj discuss karenge. Question read karna start karte. Laurel and Hardy are partners of the firm LH & Company from 1/4/2013. Initially, both of them contributed 1 lakh capital. Dono partners 1 lakh rupee capital la ke business start kiya tha. They did not contribute any capital thereafter. Uske baad koi capital nahi laye the. They maintain accounts of the firm on mercantile basis. They were sharing profit and losses in the ratio 5:4. Profit sharing ratio is given 5:4. After the accounts for the year ended 31st March 2017 were finalized, the partners decided to share profit and losses with effect from equally with effect from 1/4/2013. 1/4/2013 se business start kiya tha. 31st March 2017 ye abhi year khatam hua, meaning kitne saal khatam hue? 2014, 15, 16 and 17, 4 saal khatam hue. 4 saal tak un logon ne profit sharing ratio 5:4 mein divide kiya tha. Ab un logon ne decide kiya ki with effect from 1/4/2013 profit sharing ratio equal karna hai. Meaning 4 saal ka jo profit sharing ratio, jo profit sharing jo kiya tha, wo galat kiya tha 5:4 mein. Ab aapko change karke usko equally divide karna hai. Meaning old profit sharing usko revise karke aapko new ratio mein usko record karna hai. But current year ka nahi, 4 saal ka. 2014, 15, 16 and 17. It was decided to also discover that to ascertain the profit in the earlier years, certain adjustments, details of the which were given below had not been noted. नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दिया 4 साल की प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स प्रिपेयर्ड एंड फाइनलाइज. 4 साल का आपको प्रॉफिट दे दिया 140, 260, 320 एंड 360. प्रॉफिट आपको दे दिया है. उसके नीचे इन्फॉर्मेशन दिए एक्सपेंसेस नॉट प्रोवाइडेड ऑन 31st मार्च 2014, 15, 16 एंड 17. 4 साल के अंदर कोई हर साल के अंदर कोई एक्सपेंस ऐसा था जो रिकॉर्ड करना रह गया था. एंड लास्ट पॉइंट गिवन इनकम्स नॉट टेकन इनटू अकाउंट ऑन 31st मार्च. यानी ऐसी इनकम्स ही चारों साल में कि जो रिकॉर्ड करनी बाकी थे. हर साल में ऐसा एक्सपेंस भी है जो रिकॉर्ड करने बाकी है और हर साल के अंदर इनकम्स भी है जो रिकॉर्ड करनी बाकी है. तो अब करंट ईयर में इसको रिकॉर्ड करेंगे. अब अगर प्रीवियस ईयर में कोई भी एक्सपेंस कोई भी इनकम रिकॉर्ड करनी बाकी हो तो करंट ईयर के अंदर अगर जब आप इसको रेक्टिफाई करोगे तो इट इज़ डेबिटेड टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट. एंड पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट इज क्लोज एंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. मीनिंग देयर बाय अगर प्रीवियस ईयर की कोई भी मिस्टेक है पार्टनरशिप में, अगर प्रीवियस ईयर की कोई भी मिस्टेक है तो उसको जब आप रेक्टिफाई करोगे तो यू कैन डायरेक्टली रिकॉर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अगर लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर सकते हैं और प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर सकते हैं. ठीक है. और प्रीवियस ईयर के 4 साल का जो प्रॉफिट था वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है. ये 4 साल का जो प्रॉफिट है उसको रिवाइज करना है. और ये जो दो इन्फॉर्मेशन है प्रॉफ एक्सपेंसेस नॉट कंसिडर्ड और इनकम्स नॉट कंसिडर्ड, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको रिकॉर्ड करना है. एक्सपेंस जो रिकॉर्ड नहीं किया था सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करना है. उसके बाद पार्टनर्स डिसाइडेड टू एडमिट अ न्यू पार्टनर चैपलिन एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2017. आपको ईयर एंड 31st मार्च 17 को बोला है. करंट ईयर खत्म हुआ 31st मार्च 17 को. उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1/4/2017 यानी 17-18 में नया पार्टनर चैपलिन एडमिट होगा. इट वॉज डिसाइडेड दैट चैपलिन वुड बी अलोटेड 20% शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड 20% एंड हिज कैपिटल मस्ट बी 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ अदर टू पार्टनर्स लॉरेल एंड हार्डी. Following is a balance sheet of the firm on 31st March 17 before admission of the partner and before adjustment of the revised profit between L and H. दोनों पार्टनर्स की कैपिटल बैलेंस शीट आपको दी है. 31st मार्च 17 की बैलेंस शीट दी है जिसके अंदर दो पार्टनर थे, थर्ड पार्टनर एडमिट नहीं हुआ था उस दिन की आपको बैलेंस शीट दी है. और ये बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस है वो बिफोर रेक्टिफिकेशन वाला है. और उसके बाद आपको क्वेश्चन ये पूछा है. ओके, कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर इन्फॉर्मेशन में दो पार्टनर्स की कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, असेट्स में प्लांट मशीनरी कैश एंड बैंक बैलेंस स्टॉक एंड डिटेल्स बैलेंस इज गिवन. क्वेश्चन आपको पूछा है पीएनएल एडजस्टमेंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट्स बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ आफ्टर एडमिशन ऑफ चैपलिन न्यू पार्टनर. 20 मार्क का क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा था मॉक टेस्ट पेपर. ओके, अब इसमें पीएनएल एडजस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आपको जो बनाना है. पीएनएल एडजस्टमेंट किसके लिए बनेगा? तो पीएनएल एडजस्टमेंट में बनेगा जो लास्ट ईयर में आपने गलतियाँ की थी, लास्ट ईयर में एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया था, इनकम्स रिकॉर्ड नहीं की थी, तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए करंट ईयर में रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा, ये पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा. और पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट ना बनाए और डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर दे तो भी चलता है. पर स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपको पूछा है कि पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ तो वी विल प्रिपेयर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट एंड पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट अल्टीमेटली क्लोज होकर पार्टनर्स के अकाउंट में ही जाने वाला है. ओके, अगर पीएनएल एडजस्टमेंट नहीं पूछा होता तो डायरेक्टली हम डिफरेंस का, प्रॉफिट लॉस का नेट एडजस्ट हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट थ्रू कर सकते थे, बट इसमें हम पीएनएल एडजस्टमेंट बनाएंगे. फिर कैपिटल अकाउंट्स पूछा और बैलेंस शीट पूछा है आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. ओके, स्टार्ट विद द कैलकुलेशन.
सबसे पहले पीएनएल एडजस्टमेंट। तो पीएनएल एडजस्टमेंट में क्या क्या आएगा, तो पीएनएल एडजस्टमेंट के अंदर ये जो 3-4 साल के अंदर जो एक्सपेंस और इनकम्स रिकॉर्ड नहीं होते उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी। एक्सपेंस का टोटल 30,000, 20,000, 36,000 एंड 24,000 और इनकम्स का टोटल 18,000, 15,000, 12,000, 21,000। एक्सपेंस और इनकम का टोटल करें तो इनकम का टोटल होगा 66,000 और एक्सपेंस का टोटल होगा 110,000। ये पीएनएल एडजस्टमेंट में एक्सपेंस डेबिट होगा, एक्सपेंस इज नॉट रिकॉर्डेड और इनकम्स नॉट रिकॉर्डेड क्रेडिट होगा। सो एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम कम है, सो नेट लॉस होगा 44,000 का लॉस होगा। ये नॉट नेट लॉस जो 44,000 का होगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे एंड ओल्ड रेशियो फर्स्ट डे से रिवाइज, चार साल से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रिवाइज कर दिया। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग था, अब इक्वल करना है, तो ये जो लॉस आया वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 22,000 एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इसकी इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगी, 22,000 की इफेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में होगी। से नीचे कैपिटल अकाउंट भी बनाया है, कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग कैपिटल एज पर दी बैलेंस शीट 2,11, पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख दे 2,11,500, 1,51,500, ये ओपनिंग कैपिटल आ गया 2,11,500, 1,51,500। देन आफ्टर ये जो पी एन एल एडजस्टमेंट का लॉस था 22,000, ये पी एन एल एडजस्टमेंट का लॉस ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स न्यू रेशियो में डिवाइड कर दिया इक्वली। देन आफ्टर अदर एडजस्टमेंट्स, अदर एडजस्टमेंट्स में ये था कि क्वेश्चन में आपको बोला था कि पहले 4 साल का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो 4 साल का प्रॉफिट 5:4 रेशियो में डिवाइड हुआ था, जिसको चेंज करके आपको इक्वली करना है। तो उसकी वर्किंग नोट एक बनाई है, पहले 4 साल का प्रॉफिट का टोटल करे तो इट कम्स टू 10,80,000। 4 साल का प्रॉफिट जो आपको क्वेश्चन में दिया उसका टोटल करो तो इट कम्स टू 10,80,000। 10,80,000 को 5:4 में डिवाइड करो, 10,80,000 को 5:4 में डिवाइड करो तो इट कम्स टू 6,480,000, टोटल 1080। 5:4 में डिवाइड करो तो 6,480,000 आता है, ये जो गलत रेशियो में डिवाइड हुआ था। अब उसी प्रॉफिट को 1080 को इक्वली डिवाइड करो तो प्रॉफिट आएगा 540 और टोटल 1080। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखें तो एल जो पार्टनर है उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए था 540, उसकी जगह मिला है 6 लाख, तो इसका मीनिंग उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिला है तो उसके पास से वापस लेना पड़ेगा। मीनिंग एल का जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव हुआ और एच का जो आंसर, उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए था 540 और उसको मिला है कितना, 480 मिला है और 540 मिलना चाहिए, तो उसका जो आंसर आएगा पॉजिटिव। मीनिंग किसको प्रॉफिट मिलेगा और कौन देगा, तो एल एच को प्रॉफिट देगा 60,000, एल एच को प्रॉफिट देगा, मीनिंग एल अकाउंट डेबिट होगा और एच अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ठीक है, और इसकी कैपिटल अकाउंट में एंट्री पास करें तो एच अकाउंट में क्रेडिट 60,000 और एल के अकाउंट में डेबिट 60,000, ये एंट्री पास होगी। ठीक है, अपने पहले ओपनिंग कैपिटल हमने लिख दी, फिर 22,000 का पीएनएल का लॉस लिख दिया, 60,000 जो रिवैल्यू प्रॉफिट रिवाइज करना था एडजस्टमेंट वो एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद अब एल और एच का कैपिटल अकाउंट क्लोज करें तो एल का क्लोजिंग बैलेंस 129,500 और एच का क्लोजिंग 189,500, ये कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग आया 129,500, 189,500 कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग आया। और क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला था कि नए पार्टनर की कैपिटल 20% होनी चाहिए, 20% किसकी, तो 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ एल एंड एच, दो पार्टनर जो एल और एच जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल कंबाइंड कैपिटल का 20% कैपिटल होनी चाहिए। तो उसका वर्किंग करें तो एल और एच की आफ्टर एडजस्टमेंट जो कैपिटल है दैट इज 129,500, 189,500। ओके, ये अमाउंट कहाँ से आई थी, तो हमने ये जो कैपिटल अकाउंट क्लोज किया यहाँ पे एल और एच का, वहाँ से 129,500, 189,500, ये दोनों पार्टनर्स की कैपिटल टोटल करे तो 3,19,000। 3,19,000 की 20% कैपिटल, दोनों पार्टनर की कंबाइंड कैपिटल का 20%, यानी 3,19,000 का 20%, 63,800 उसकी नए पार्टनर की कैपिटल होनी चाहिए, तो उसको 63,800 कैपिटल लानी पड़ेगी। तो 63,800 जब कैपिटल लाएंगे तो उसकी एंट्री होगी सी के नए पार्टनर चैपलिन के अकाउंट में क्रेडिट एंड कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री कैश अकाउंट टू चैपलिन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, और इसकी वजह से कैश अकाउंट प्लस होगा 63,800 और बैलेंस शीट के अंदर चैपलिन का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा 63,800। ओके, ये कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया, पीएनएल एडजस्टमेंट हो गया, नाउ फाइनल बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर एल और एच की कैपिटल 129,500, 189,500 एज पर द कैपिटल अकाउंट्स 129,500, 189,500 और चैपलिन की कैपिटल 63,800 एज पर न्यू कैपिटल ही इंट्रोड्यूस। फिर ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर जो अदर लाइबिलिटीज एंड वगैरह थे वो वापस एज इट इज रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेड पेबल्स आर 2,27,000, तो 2,27,000 के ट्रेड पेबल्स। ओके, फिर लैब एक्सपेंसेस जो स्टार्टिंग में बोला था कि एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड, तो इसका टोटल जो हो रहा था 1,10,000 एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, तो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग की इफेक्ट हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कर दी बट इसका पेमेंट नहीं हुआ, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बैलेंस शीट के अंदर 1,10,000 शो होंगे जो रिकॉर्ड करने बाकी थे। सिमिलरली
असेट साइड इनकम में भी इनकम्स नॉट रिकॉर्डेड 66,000 आएगी। कौन सी इनकम? तो 66,000 की इनकम जो क्वेश्चन में बोला था कि 4 साल की इनकम रिकॉर्ड करनी बाकी, अक्रूड इनकम के फॉर्म में जो मिली नहीं है, अक्रूड इनकम के फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे। उसकी दूसरी इफेक्ट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हो चुकी है। इसके बाद ओल्ड बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी वॉज 60,000, तो एज इट इज़ न्यू बैलेंस शीट के अंदर 60,000 रख देंगे। इसके बाद ओल्ड बैलेंस शीट में कैश बैलेंस है 10,000, और कैश बैलेंस में 63,800 जो नया पार्टनर कैपिटल लाएगा वो ऐड होगा, तो टोटल कैश बैलेंस विल बी 73,800। इसके बाद बाकी सारे बैलेंसेज आप देख लें, बैंक बैलेंस है 5,000, स्टॉक 3,10,000, डेटर्स 2,05,000, ये एज इट इज़ आ जाएंगे। डेटर्स 2,05,000, स्टॉक 3,10,000 एंड कैश एंड बैंक बैलेंस 5,000। खाली कैश बैलेंस इंक्रीज होगा, लाइबिलिटी साइड चैपलिन की कैपिटल आएगी, आउटस्टैंडिंग लाइब एक्सपेंसेस शो होंगे, अक्रूड इनकम शो होगी, एंड दैट्स इट फॉर बैलेंस शीट। टोटल कर दो 71,980। सो इन दिस वे एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 20 मार्क का क्वेश्चन। इफ़ यू आर डूइंग फर्स्ट टाइम इन द एग्जाम तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगे, बाकी क्वेश्चन इट वॉज वेरी सिंपल। एक बार आप प्रैक्टिस कर ले लिख के, तो एग्जाम में अगर पूछे तो आपको आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।